हाँ जी साहब, आज हम बात करेंगे मतिरे की राड़ के बारे में कि ये कब हुई, किन राजाओं के मध्य हुई और क्यों हुई। चलिए आपको ले चलते हैं सन 1644 में, जब बीकानेर की सीमा पर एक गांव था सीलवा और नागौर की सीमा पर गांव था जाखणिया, और इन दो गांवों के मध्य एक ऐसी बात हुई जो कि बड़ी अचंभे की बात है कि सीलवा गांव के किसान के खेत में एक मतिरे की बेल उगी थी और ये मतिरे की बेल चल करके जाखणिया गांव के अंदर सीमा में प्रवेश कर गई थी, और सीमा में प्रवेश करने के बाद उस बेल पर एक मतिरा हुआ था, और उस मतिरे को तोड़ने के लिए जब सीलवा गांव का किसान गया तो दोनों गांव वालों के मध्य ये ठन गई। जाखणिया गांव के किसान ये कह रहे थे कि ये बेल हमारे गांव में आ पहुंची है और हमारे गांव में ये मतिरा हुआ है, इसलिए ये मतिरा हमारा है। तो इधर सीलवा गांव का किसान अपना हक जता रहा था कि ये उगी हुई मेरे खेत के अंदर है, इसलिए इस मतिरे पर हक मेरा है। और नतीजा ये निकला कि दो किसानों के मध्य का युद्ध दोनों गांव में तब्दील हुआ और दोनों गांव से वो युद्ध दोनों रियासतों के मध्य तब्दील हो गया, और उस समय नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक थे करण सिंह जी राठौड़, और दोनों ही बहुत ही उग्र शासक थे, और नतीजा ये निकला कि दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध ठन गया, और उस समय अमर सिंह जी राठौड़ और करण सिंह जी राठौड़ दोनों ही अपनी रियासतों में नहीं थे, और इस तरफ नागौर की सेना का जो मुखिया था वो सिंघवी था और बीकानेर की सेना का मुखिया रामचंद्र मुखिया था, और दोनों की सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ और सैकड़ों सैनिकों के बलिदान के बाद में बीकानेर की सेना ने अपनी जीत के बाद में उस मतिरे का स्वाद चखा था। और इधर नागौर के शासक बादशाह के पास पहुंचे थे इस बात को लेकर, और वहां करण सिंह जी ने अपना पत्र जो है सलावत खां को लिखा था, जिन्होंने बादशाह के सामने इसकी पैरवी की थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों सेनाएं आपस में लड़ चुकी थी, कर चुकी थी, मर चुकी थी, एक मतिरे के लिए, एक तरबूज के लिए। तो ये था मतिरे का युद्ध, और इतिहास में एक फेरबदल ये भी है कि कहीं इतिहास की पुस्तकों में ये तक लिखा हुआ है कि इस युद्ध के बाद में नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ ने सीलवा गांव पर कब्जा तक कर लिया था। तो ये थी मतिरे की राड़ यानी तरबूज का युद्ध जो 1644 में घटित हुआ था। जय माता जी की साहब।